I'm a village girl, at the same time I'm a city girl. So Shimla felt like the perfect blend. Shimla में सब Shimla मिर्ची की जगह होनी चाहिए. I know boxing. Just morning. मुझे पता नहीं था कि Shimla में भी monastery है. Although इतनी बार Shimla आ चुकी हूँ, तो I feel that I have literally discovered this place. मेरे घर का चिनार, so I'm referring to this field and that field there. You know, very good friend of mine says it's पहाड़ों का लुधियाना. No offense to anybody. See, there's a monster. He's the boss over here. बोल रहा आप रास्ता छोड़ेंगे. हाँ. मैं तो यहीं से जाऊँगा. मैं lean rule follow कर रहा हूँ. ये मेरी lane है. हम में से कितने ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा ये सोचते हैं कि पहाड़ों में अपना एक घर हो, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो इस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। मीट प्रियंका चंदोला, एके देसी गर्ल ट्रैवलर, एन इंजीनियर टर्न कंटेंट मार्केटियर टर्न ट्रैवल व्लॉगर। हर रीसेंट मूव फ्रॉम नोएडा टू शिमला वॉज वेन वी स्टार्टेड इंटरैक्टिंग। अभी तक तो आई हैव बीन फॉलोइंग हर माउंटेन लाइफ थ्रू इंस्टाग्राम, बट जब मेरा शिमला आने का प्लान बना तो सोचा कि चलो लेट्स एक्सपीरियंस इट फ्रॉम अप क्लोज। यार तो एक होता है मॉर्निंग वॉक्स, एक होता है लॉन्ग वॉक्स, ये लेकिन ये जो आपके सुपर लॉन्ग मॉर्निंग वॉक्स हैं, हम कभी स्टोरीज देखता हूँ मैं तो उसमें आएगा 3 घंटे, वो 6 बजे शुरू हो रही है 9 बजे खत्म हो रही है, तो ये कीड़ा पहले से था या ये शिमला की देन? नहीं, चलने का कीड़ा तो पहले से था, बट इतना नहीं था, मतलब मैं 2-3 घंटे पहले भी चलती होती थी लेकिन वो स्कैटर्ड होता था थ्रू आउट द डे। यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है कि सुबह निकले और फिर रोड बिल्कुल खाली है, एंड देन आई हैव सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द सराउंडिंग, तो मैं चलती रहती हूँ एंड देन आई फील कि यार, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मोस्टली सुबह से शाम तक मुझे काम ही करना है, तो फिजिकल वर्क सॉर्ट ऑफ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एनर्जी कहाँ निकालूँ मैं अपनी, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड देन एक चीज़ और जो सबसे सही चीज़ because of which I do this walk, long, super long walk, is because I have this habit. I think I'm sure ये सबके साथ होता होगा, कोई भी आप एक नई जगह जाते हो ना, then you see something, then like इसके आगे और क्या है, what's next, तो that's how it happens. शुरू में मैंने जैसे घर से निकलना शुरू किया था, when I shifted to Shimla, like I wanted to have a place somewhere in a remote place like village, but then I realized it's not feasible, the kind of work I'm involved in, I need to have airport nearby, commute should not be a problem, internet should not be a problem. So and mere sath ek aur bhi cheez hai na, I'm a village girl, at the same time I'm a city girl, so you know, village girl in a sense that I like that quiet surrounding, you know, simple se log, simple sa khana, bhid se dur, thoda rural area mein, to Shimla felt like the perfect blend of all these things and it felt doable, to mujhe laga ki chalo Shimla hi nikal lete hain. So morning walk ke time kya hota na, mostly because I start really early in the morning, roads khali hote hain, then I see somebody cleaning their house, log sadak pe khade hoke chai pee rahe, to sabse jo achhi cheez mujhe lagti hai na, jhund bana ke bilkul gappe maar rahe hote hain, and I have missed that, you know, living in Delhi all these years, we never had time, you know, ऐसे कहीं भी, मतलब आप notice करना शिमला में या कहीं भी पहाड़ों में especially, गाड़ी भी चलती रहेगी, रोक देंगे, 2-4 बातें कर ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे traffic वो जो आजकल जो I would again say कि थोड़ा सा trend जैसा ही हो गया यार, slow travels, but यहाँ पे ना they practice it by heart, यहाँ पे वो slow living exists यहाँ पे अभी भी। सुबह जब मैं उठती हूँ ना, आई हैव लाइक ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई बालकनी एंड दैट धीमी सी वो सनलाइट, एंड देन आई स्टार्ट माई रेडियो, लाइक रेडियो प्ले करती हूँ, एंड ऑल दोज लाइक यू नो 70s के सॉन्ग्स, 90s के सॉन्ग, आई थिंक सम हाउ यू नो वो गाने आप अगर
सिटीज में सुनते ना वो फील नहीं आती उसके लिए ना यू नीड टू बी इन द माउंटेन्स वो एक अलग ही आई फील लाइक आई एम ट्रांस मतलब फिजिकली एज वेल एज मेंटली यू नीड टू बी इन दैट स्पेस यार टू अंडरस्टैंड दैट इट जस्ट काम्स मी डाउन एंड आई थिंक माउंटेन्स हैव दैट इफेक्ट ऑन एवरीबॉडी एक ट्रैवल ब्लॉगर के साथ दिन बिताना मतलब रेगुलर सोशल मीडिया अपडेट्स एंड दिस इज समथिंग दैट आई डेस्परेटली नीड टू लर्न मल्टीटास्किंग एंड सिंपल लिविंग आर द थिंग्स दैट आई रियली लव अबाउट स्मॉल टाउन्स क्योंकि यहां मॉर्निंग वॉक्स के साथ साथ ग्रोसरी शॉपिंग भी हो जाती है जापानी फल शिमला में क्या कर रहा है शिमला में सब शिमला मिर्ची की जगह होनी चाहिए पता चला कैसे निकाले पेट में दर्द हो रहा है राजू भैया मेरी इज्जत पे आई हुई है ठीक है एकदम मीठा वाला देना प्रियंका's home not only offers great views but also a sense of calm and positivity. अब अपना घर पहाड़ों में जब होगा सो होगा अभी के लिए तो मैं यहीं पे खुद को बार बार सेल्फ इनवाइट करने वाला हूँ दिस इज द बालकनी हाँ जो जो इतनी बार आईजी स्टोरीज रील सब में दिखती है फाइनली जो भी कहो बात तो है यार इट्स प्रीटी तो आई एम श्योर ये दिस मस्ट हैव सील्ड द डील जब घर देख रहे थे ये पहुंचा घर देखा ओके अच्छा है हाँ ये भी अच्छा है बालकनी देखी डन दैट्स माय गेस एक्चुअली आई केम हियर एंड लाइक मॉनसून वाज अबाउट टू स्टार्ट You know, balcony से बिल्कुल आते ही I saw cloudy weather and I love rain and then पहाड़ I was like I'm sold. बहुत टाइम ऐसा होता है शाम को ना when it was monsoon time वहाँ से cloud की एक bridge बनती है then there's a sunset it looks beautiful. यहाँ move करने के बाद दोस्तों और friends and family का तो तांता लग गया होगा यार हमें भी आना है हमें भी आना It's Forget about the family and friends. It's my subscribers, my Instagram followers. They don't even ask me. See, first of all, they ask me, which area do you live? Maybe I think they don't know that they can't ask me these things. Okay? Like, chalo, chodo, pooch liya. Then maybe they can, sometimes they ask me, hame ghar lena hai, help karo. Okay? If it's a request, I still feel okay. But then, mujhe ghar dhoond ke do. I mean, what is this? I'm not a broker. And seriously, Abhishek, I don't really understand that why do people find it so difficult? Because this is not a first city I have moved into and I've been to many cities and this is how I've started my life. I'd come to Shimla in December and I was somewhere in Naldera, that side. And I saw a house like bilkul pahadon ke beech mein ek ghar and I always say this, ek din pahadon mein mera ghar hoga. It was always at the back of my mind, but never I could think that it can be possible that to this early. It was only during the second lockdown. I was at home just sitting with my family. This year, abhi? Yeah, March, April. Abhi teen chaar, kuch turnaround time hi nahi tha. That's what I told you about me. Mera kya hai na, har cheez mein aisa hai.
if I want to do something, I do it. And Himachal is one place where I've always felt safe. I mean, nothing against any other state, but yeah, here I have never felt any sort of discomfort or somebody is in like, you know, if teasing and all, nothing that sort of. I know boxing. Just warning. ठीक है आज फिर मैं अकेले ही थोड़ा घूम लेता हूँ, कोई बात नहीं, I don't want to bother. नहीं, I will give you like protection ना, मैं आपका guard बनूंगी ना इधर safety. वो मुझे पता नहीं कि मुझे आपको यहाँ पे कोई नहीं छेड़ेगा मेरे रहते हुए. जब प्रियंका को मैंने अपना शिमला आने का प्लान बताया तो शी हैड आस्क्ड मी अबाउट व्हाट ऑल डू आई वांट टू सी एंड डू, और जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि आई वांट टू एक्सपीरियंस शिमला थ्रू हर आईज. एंड इफ यू फॉलो हर चैनल देन यू वुड नो दैट हाउ स्ट्रांगली शी फील्स अबाउट बुद्धिज्म एंड मॉनेस्ट्रीज. This is my one of the major finds in Shimla. मुझे पता नहीं था कि शिमला में भी मॉनेस्ट्री है. Although इतनी बार शिमला आ चुकी हूँ तो I feel that I have literally discovered this place. नहीं actually वही यार, नहीं idea नहीं है, मुझे भी temples का पता है, of course church का पता है, but monasteries का तो मेरे को भी नहीं idea था. And plus even though जब हम जहाँ से enter किए तो छोटी लग रही थी, but यहाँ आते it's massive यार, it's expansive. So I come here almost every day, either morning or evening. I like it. First of all, it's very peaceful, and then I indulge in conversation with the monks. Abhi to COVID ki wajah se wo zyada possible nahi hota, but sometimes I do that. Actually, I have a very interesting story to tell you about this monastery. So when I was in Ladakh last month, I think it was July, yeah. So once I came back from Zanskar, I was in Leh for a couple of days. And Zanskar mein, I've been to so many monasteries. So there I visited a monastery, it's called Taktok Monastery, and while I was indulging in a conversation with a monk there, कुछ तो चीज़ें मैंने उन्होंने मेरे को बताई, and then he ended up saying one thing that हमारा दो ही monastery है, एक ये है और दूसरा इसका branch शिमला में है. And I had such a like a big smile on my face. I was like, अब शिमला में है तो आप शिमला move हो गए. हाँ, but I didn't know कि यहाँ पे एक monastery है. Okay. तो फिर जब से मैं लद्दाख से वापस आई ना, इट बिकेम लाइक अ मिशन, मेरे को ढूंढना है भाई. आई कैन सही में से दैट आई एम जेलस यार. या यू आर. Even though Priyanka को कुछ ही महीने हुए हैं शिमला में, but she has discovered a bunch of places and made quite a few new friends. और अब वक्त था ऐसी ही एक दोस्त से मिलने का. Referring to this field and that field there, and it's only like 3-4, just that's it. 3-4 hi aur ye angrezo ke waqt ke.
Neetika is former Miss Himachal and co-founder of Wow Himachal, a platform to showcase the rich heritage of the state. But most importantly, she is a mountain kid who's in love with anything and everything wild and natural. Who would believe ki hum all road se kitna 10 minute 15 minute door hai? No, I think 10 minute. 10 minute. Not even 10 minute. Main pe camera ke samne ye nahi bolne wala ki kis direction mein kyunki agar aapko dhoondna hai to aapko dhoondo. Lekin I still can't believe yaar, Neetika. You live in a wonderland. It's actually funny because if I wake up and I, would just go outside like towards the right direction, it is like the mall road and it's crowded and it's like full of buildings and there's no one tree that I can locate. And when I go towards the left hand side, there's like an enchanted forest there. It's like a magic door towards, a Narnia door that I would say. It's exactly like that. The moment we saw the first glimpse of your place, ये तो मॉल रोड नहीं लग रही है यार, दिस इज सम अदर प्लेस, हैज टू बी सम अदर प्लेस. बट मुझे ना एक चीज हमेशा आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दैट टू अ शिमलाइट, आप लोग मॉल रोड जाते हो क्या? गुड वन. क्योंकि 99% ऑफ द बाढ़ ऑफ टूरिस्ट उनको वहीं जाना, उनको तो वहीं जाना, उनके लिए वही शिमला है, मॉल रोड उनके लिए वही शिमला है. You know, very good friend of mine says it's Pahado ka Ludhiana. You know, no offense to anybody, no place and anywhere. So I usually go after 9 or 10. I go for walk, after dinner. At night, because there's no crowd, one. Second, it's all warm colors. It's yellow, it's and beautiful. It's lit up in the most beautiful way. And thirdly, I think there's so much of calm, the breeze and the calmness of that place. शिमला पूरे दुनिया में फेमस है, पूरे इंडिया में फेमस है हनीमूनिंग के लिए. कोई शिमला नहीं गया तो मतलब हनीमून पूरा नहीं होगा. लाइक आई हैव हर्ड यू नो दीज वर्ड्स बाय दिस केरला कपल वंस अपॉन अ टाइम, सो लाइक यू नो कि हम तो इसलिए शिमला आए हैं. बट यू सी देयर इज दिस अदर फेस ऑफ शिमला दैट यू वुड नेवर थिंक ऑफ, बट यू हैव टू अर्न इट. यू हैव टू अर्न इट, यस. And you have to be the lover, For example, I see Priyanka all the time, discovering trails here and there and always going for solo, I don't care. I will go and I will discover things on my own. But the good thing is, that the people also, you feel so safe here. Aapne suna hoga ki wo gong bajta hai 5 baje aur 10 baje. So after 5, it's a trend here. It's called malling. वैसे तो मॉल यहाँ है नहीं, वैसा structured मॉल नहीं है. So it's a road, mall road. It's called mall road. और उसके पीछे भी बहुत सारे reasons हैं कि उसको mall road क्यों बोला जाता है. या तो वहाँ पे mall area है इसलिए, या वहाँ पे माल गाड़ी से सामान जाता था. So it's mall road. You know, and this तो even I have read about it. Yeah, there's something, there's some stories. But again, यहाँ पे क्या, the point is कि लोग 5 बजे के बाद आते हैं, properly dressed up, booted up. And they will have walks, they'll meet and greet each other. I mean, that's so rare, and we still get fascinated that people come out of their houses all dressed up. And I'm not talking about the tourists, I'm talking about the locals. Yeah, yeah. And we meet everybody on the way and greetings and everything. How are you? How have you been? Monkeys are very prominent part of Shimla. Greeting them also. Oh, and see, there's a monkey there. See, there's a monkey. And it's they still scare me to death. But it's just, it's crazy. How they've become such a part of our life. He's the boss over here. बोल रहा आप रास्ता छोड़ेंगे, मैं तो यहीं से जाऊंगा. मैं lane rule follow कर रहा हूँ. ये मेरी lane है. यहाँ पे तो लोगों में भी वही बात है जो nature में है. Exactly. Oh my God, I so love the people here. I was telling him this morning also, मैं घर से निकलती हूँ तो 10 लोग तो मुझे भी आई बोलते हैं. एंड कुछ एग्जैक्टली दे आर सो वार्म, सो वार्म, वेलकमिंग, सॉफ्ट हार्टेड, सो काइंड. फिर आप भूल जाते हो, आपको नहीं जाना सिटीज में. मुझे कभी नहीं जाना सिटीज में. आई वाज प्लानिंग आफ्टर माय दिस थिंग, आई वाज प्लानिंग कि चलो बॉम्बे जाते हैं, देखते हैं व्हाट इज देयर. नहीं यार, चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग हियर. एंड वी स्टार्टेड आवर ओन शो एंड आई वाज सो हैप्पी. जितना भी जैसा भी कर रहा होगा, आई एम सो प्राउड दैट आई एम गिविंग बैक टू माय लैंड, आई एम गिविंग बैक टू माय पीपल. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल से दैट एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वॉक द टॉक. थैंक यू अभिषेक. होते हैं जो इतने पैशनेट होते हैं अबाउट देयर होमलैंड, अबाउट देयर बर्थ प्लेस. आई थिंक दैट्स द थिंग अबाउट माउंटेन्स. सी, यू वांट टू कम हियर, यू वांट टू एक्सप्लोर,
नो इट्स अबाउट द एयर ऑफ द माउंटेन. कुछ हवा में है, दैट्स ट्रू. कुछ हवा में है जो आपको खींचता है. देयर इज समथिंग अबाउट एक्सप्लोरिंग अ प्लेस थ्रू द आईज ऑफ पीपल हु लिव देयर, चाहे वो लेजरली मॉर्निंग वॉक्स हो या एक्सचेंजिंग स्टोरीज ओवर एन इवनिंग स्ट्रोल. इट्स ऑलवेज द पीपल हु मेक द प्लेस स्पेशल. द ब्यूटी लाइज इन सिंपल एंड मंडेन थिंग्स, इफ ओनली वी जस्ट लुक अराउंड.